दी मुझे भाईजा ने दी थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के सारे नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। आज जी फाइनली ईद उल फितर है, रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी ईद उल फितर है। इस ईद का हमें इंतज़ार होता है और हम बहुत ही खुशी से मनाते हैं, वो ईद उल फितर है। तो अभी टाइम जी 7:30 हो रहे हैं और हमारी जामे मस्जिद में ईद ही 8 बजे अदा होगी और 15 से 20 मिनट रह गए हैं। तैयारी और तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है, बस कपड़े पहने हैं और बस चलना है। तो माशाल्लाह जी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और अभी भी लग रहा है जी जैसे रोज़ा होता है, ऐसे जब कोई चीज़ खाते हैं तो ऐसे फील होता है जी रोज़ा है। तो फ़िलहाल जी मैं सेवइयाँ खा रहा हूँ जो कि हर घर की रौनक बनती हैं, वो भी ईद के दिन ख़ास तौर पर। तो सबसे पहले तैयारी करते हैं जी, उसके बाद चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया। उसकी बात कीजिए तो इस जानब बहुत ही गहरे बाद हैं लेकिन इस तरफ सूरज, वाह माशाल्लाह। मरहमीन की सुभान बख्शिश फरमाए, अल्लाह सुभान व तआला इस शान को हम सब के लिए रहमत का बायस बनाए, बरकत का बायस बनाए। अल्लाह सुभान व तआला बेहतर से क्लोज करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ ईद अदा कर चुके हैं हम और अभी हम मैं और चाचू जान जी वापस जा रहे हैं अपनी दुकान। चाचू जान ईद की बहुत बहुत मुबारक आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक, तुसा की मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, सब की बहुत बहुत मुबारक। सारे की हमारी तरफ ईद नी बुबू मुबारक। ईद सिर्फ असो तुमने सुनी ईद को नहीं। ईद पड़ने के बाद जी दुकान पर आ गए थे तो अच्छा खासा टाइम हमारा दुकान पर ही गुजर गया, अपने ही कज़न के साथ शुगल मेला हमने लगा रखा। तो अभी टाइम है जी खाना खाने का, तो मैं अभी बिरयानी खाऊंगा जी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो पहले भाईजान आए थे, मैं दुकान पर आ था और अभी वो दुकान पर गए हैं, मैं भी आया हूँ, तो थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। छोटी ईद आपको पता ही है, रेस्ट करना पड़ता है, या तो कहीं आना जाना हो ठीक नहीं तो फिर घर पर ही सोना पड़ता है। तो अभी मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। तो दुकान से वापस आ गया हूँ, 2:30 बजे तक मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा, फिर भाईजान आएंगे, कुछ ऐसे ही ईद हमारी गुजर जाएगी। सोने के बाद जी आँख खुल गई है और वापस तरोताज़ा हो गया हूँ जी मैं, तो कहीं जा ही नहीं सके, हम घर पर ही था जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दुकान से सीधा घर पर और घर से अब वापस दुकान पर। भाईजान मेरा वेट कर रहे हैं, 2 दिनों के इसकी ऐसी ही हालत है, पता नहीं क्या हो गया इसे, बहुत बुरी हालत है जी इसकी। और अभी दुकान पर जा रहे हैं जी, भाईजान आएंगे वो रेस्ट करेंगे, मैं भी दुकान पर। हमारी ईद कुछ ऐसे ही गुजर जाती है। तो पहले पहले था कि पहले पहले ऐसा होता था, हम कहीं आगे पीछे चले जाते थे, ज़्यादा दूर ना जाएं लेकिन अपने इर्द की जो जगह होती हैं घूमने वाली फिरने वाली, हमारे जो दोस्त अहबाब होते थे हम सारे मिल बैठ कर जाते थे, गप शप लगाया करते थे। लेकिन 3-4 साल हो गए हैं ऐसा कुछ नहीं होता, सारे अपने मौजूद अपने घर पर ही होते हैं। हैं कुछ ऐसे दोस्त जो ज़्यादा फ्री होते हैं और आगे पीछे निकल जाते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ है, हमारी जो मसरूफियात है, वो हमें इजाज़त नहीं देती कि हम कहीं जाएँ। तो यही वजह है, बस अभी मैं दुकान पर हूँ तो भाईजान आएंगे फिर मैं जाऊंगा घर, तो ऐसे ही कुछ गुजर जाएगी। अब सुबह का टाइम, हल्की हल्की बारिश थी लेकिन मौसम अब माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हो चुका है, ना इतनी गर्मी ना इतनी सर्दी। इस जाने बादल बहुत गहरे छाए हुए हैं लेकिन इस साइड पे मौसम तकरीबन साफ हो चुका है। सुबह हम नहीं जा पाए थे कब्रिस्तान पे क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी, तो हम वापस दुकान पर आ गए थे। दुकान पर आकर मैं बिज़ी हो गया था जैसे आपने पहले देखा, तो अभी फिर भाईजान गए, उन्होंने कहा कि आपने कब्रिस्तान फूल नहीं डाले, लेट कर रहे हैं तो आप जाकर फूल डालिए। मैं और भाईजान गए थे तो अभी वापस आए हूँ जी, और अभी टाइम हुआ जाता है जी
तड़के का गोश्त खाने का जी, बिस्मिल्लाह। मैंने पहले चावल खाए थे, उसके बाद ये भी अम्मी जान ने साथ दिया था गोश्त, लेकिन पेट में जगह नहीं थी, मैं नहीं खा पाया था। लेकिन अभी वापस आया हूँ तो अभी खाऊंगा। आज अपनी वो खाना है वो चाचू जान के घर है, लेकिन उससे पहले पेट पूजा करेंगे, दोबारा फिर कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो सकता है रात को बारिश हो, लेकिन इस वक्त मौसम बहुत ही मज़े का है, और ऊपर से ये गोश्त भी मतलब के तड़के की बोटियाँ जी, सुभान अल्लाह जी। किधर हो आप? हमरा भाई ईद मुबारक। सारे कजन जी हम अभी इकट्ठे मौजूद हैं, जिस जिसने जिनको ईद दी वो देंगे। सबसे पहले सब मुझे देंगे, उसके बाद आप बड़े, आप पहले। हां सर बड़े आप देंगे। सबसे पहले पीछे होना, तू सब आप पहले दे। वैसे अतीक भाई आप इनको दे, आप लाग बनता है। आप लाग बना रहे हैं, मुझे भी सोच रहे हैं। आप लाग बनाते हैं, आप सबसे पहले हमें दें। अच्छा अच्छा मैं अच्छा ठीक है भाई। आपको कैसे नंबर पर पहले 10 10 बिल्टो रोने दी। मुझे भाईजा ने दी थी 1000 रुपए की, इसमें से काफी कम हो गया। मतलब कि मुझे किसने, सिर्फ भाईजा ने दिए और किसने नहीं दिए, तो इनमें से अगर आप मुझे देंगे तो आपको मिलेंगे। जो ईदी देगा उसको ईदी मिलेगी बस। अच्छा नया तरीका है दोस्त, दोस्त साहब को फिर हैदर की तरह से भी हो गई है। दो साहब के दो उसको निपड़ाए, दो साहब पौड़ी कबूल करो। चलो आगे चलो जी, 5 रुपए है ना, 5 रुपए सारे सारे के नहीं हाली बोनी। भाईजान की तरफ से मुझे ईदी मिल गया, मेरा कोई इतराज नहीं क्योंकि मैंने भी आगे इतने ही दिए। ठीक है जी, आप लेना चाहते हैं ले ले, मैंने अभी इन्हें दे ही सारे के। अच्छा ठीक भाई, अंकल के पास चले। अतीक भाई ये नहीं, फ्रेश फ्रेश अच्छा अच्छा जजाक अल्लाह। ले देकर वापस मेरे उतने हो गए पूरे। चलो जी ये आप वापस ले लें। मैंने नहीं जाना, ये उजैर साहब वापस कर रहे हैं। हम जी वापस आ चुके हैं, हम भाई असद के दोस्त थे, उनके घर दावत थी, वहाँ पर गए हुए थे मैं भाईजान और भाई असद थे। तो अभी गाड़ी खड़ी की है, घर जा रहे हैं हम, और ठंड भी थोड़ी थोड़ी सी हो चुकी है, और मज़े वाली ठंड है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो। तो माशाल्लाह आज पहला जो दिन था ईद का वो हुआ जी मुकम्मल। तो कैसे ईद मारी गुजरी आपने देख ही लिया। तो 2-3 साल 4 साल पहले ऐसे हुआ करता था कि इतनी मसरूफियत नहीं हुआ करती थी, पहले प्लान बना कर रखे होते थे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो हम जाते भी थे, घूमते थे फिरते थे। लेकिन अब जो टाइम आ चुका है वो बहुत ही मसरूफ वाला मसरूफियत वाला होता है कि हम कहीं जा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा जाएँ तो किसी के घर, अपने चाचू जान के घर, ताए जान के घर, या किसी दोस्त अहबाब के घर जाएँ तो टाइम निकाल कर जाते हैं, इसके अलावा हम कहीं नहीं जा सकते। तो है उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, अतीक और मान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।